Hello everyone and welcome to Achieve IAS. My name is Akash Vijayaran और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो ऑलमोस्ट हर माओइस्ट अटैक के पीछे है. जो भी माओइस्ट अटैक जो है, जो भी नक्सलाइट अटैक्स जो है हमारी आर्म फोर्सेज के पर्सनल पर किया जाता है, अभी रिसेंटली जितने भी आपके पिछले 5-7 सालों में हुए हैं, उस हर अटैक के पीछे जो एक कमांडर है वो है हिडमा, HIDMA. हिडमा जो है उसका नाम है, ये उसकी आइडेंटिटी है. काफ़ी कम जो है हमें उसके बारे में पता है, जो लो एजेंसीज हैं उनको भी जो है काफ़ी कम चीज़ें जो हैं उसके बारे में पता है. लेकिन जितना भी पता है उससे यही लगता है कि जो कॉम्बैट क्वालिटीज़ और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें हैं, वो क्वालिटीज़ तो है लेकिन वो गलत जगह लगाई जा रही हैं, गलत जगह जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं. क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस में काफ़ी काम आ सकती हैं अगर वो देश की सेवा में इसको इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन वो गलत जगह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या जो है हिडमा कौन है, कैसे है, क्या उसका रोल जो है पूरे माओइस्ट अटैक्स में रहता है और क्या क्यों वो इतना जो है ज़रूरी है, उस सब के बारे में जो है हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ये, ठीक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे हिडमा इज़ द शेडो ऑलमोस्ट मिथिकल कमांडर ऑफ माओइस्ट पीपल. तो अब तो ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माओइस्ट पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1, तो ये जो है इनकी माओइस्ट पीपल की जो नक्सलवादी लोग है ना, इनकी ये जो है एक आप कह सकते हो एक बटालियन की तरह है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वेपनाइज, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है माना जाता है, ठीक है. और उसका जो है एक कमांडर है ये हिडमा. हिडमा जो है किसका कमांडर है मैं आपको बताता हूँ फिर से. हिडमा जो है वो माओइस्ट पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1, ये जो इनकी बटालियन है इनका जो है कमांडर है एंड मेम्बर ऑफ दी तंद करने स्पेशल जोनल कमेटी. और ये जो है चीज़ें जो बनाई हुई हैं ना इन सभी ने, ठीक है, ये जो पूरे माओइस्ट लोगों ने जो ये कमेटी वगैरह बनाई हुई है इन सबका भी जो है काफ़ी ज़रूरी मेंबर है. और अगर बात करें इसकी ऑपरेशन की तो ये मोस्टली जो है साउथ बस्टर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सुकमा डांडेवाड़ा जो है इन जगहों पर जो है ये बेसिकली करता है. तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूज़ में हम क्यों आई हैं और इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुकमा में जो है अभी हमारे जवान जो है शहीद हुए हैं, उनके ऊपर जो है अटैक किया गया है. तो अब जो है इसी वजह से हम लोग हिडमा के बारे में बात करते हैं. काफ़ी मोस्ट वांटेड जो है ये पर्सनालिटी है, काफ़ी स्टेट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी तलाश में है और इसके ऊपर जो है प्राइस वगैरह भी रखा हुआ है, वो हम लोग आगे देखते हैं. तो अगर कितने भी हम लोग रिसेंट के अटैक्स देख लें पिछले 5-7 सालों के, चाहे वो 2013 का जीराराम घाटी अटैक हो या फिर वो टडमिटला का जो अटैक हो जिसमें 76 CRPF जवान जो शहीद हुए थे, या फिर हम बात करें भेजी की, बुरकापाल की, मिनपा की या फिर तारियन की, तो हर जगह जो है ऐसा कहना है कि हिडमा का जो था रोल था, हिडमा जो है वहाँ पर प्रेजेंट था. और अगर हम बात करें रिवॉर्ड की तो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है 25 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है. अगर बात करें बाकी के स्टेट्स के बाकी की एजेंसीज की तो उन्होंने 20 लाख रुपये का जो है इनाम रखा हुआ है. तो इतना जो है ये मोस्ट वॉन्टेड है, इतनी जो है चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और इतना खतरनाक जो है इसका रोल है, कहाँ पर जितनी ख़राब जगह जो है ये अपनी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो कौन सी मैं आपको आगे दिखाऊंगा. उससे पहले पिक्चर देख लीजिए. अब पिक्चर देखोगे तो लगता है कोई नौजवान है जो नया नया आर्मी में भर्ती हुआ है, ठीक है, लेकिन आप मतलब देखिए जो फिजिक वगैरह है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, देखने में इतना ख़तरनाक नहीं है, पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है. अगर हम बात करें स्टेट एजेंसीज या फिर बाकी की जो आपकी एजेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, उनके पास भी जो है सिर्फ यही एक दो पिक्चर्स हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है, काफ़ी क्लियर ये पिक्चर नहीं है. एक पिक्चर आपकी ये है जो आपकी राइट हैंड साइड पर है, ये पिक्चर जो है हमारे पास बस इसकी हैं. आप अगर गूगल पर चेक करेंगे तो गूगल पर भी आपको यही पिक्स जो है मिलेंगी घूम फिर के. तो अगर हम बात करें पर्सनल फ्रंट पर तो डिटेल्स के बारे में हिडमा की, तो जो लाइफ डिटेल्स है वो काफ़ी स्केची है, ठीक है, इतनी क्लियर हमारे पास नहीं है. जो फोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी कम है और बात करें तो फोटोग्राफ्स जो हैं वो क्लियर भी नहीं है. और ऐसा कहा जाता है कि जो एज है वो 35 से 45 के बीच में, ठीक है, ये एज है. और वायरियन स्लेंडर जो है फिजिक है, एक थिन मुस्टैचू जो है वो रखते हैं, मतलब पतली सी जो है एक मूछ, और हमेशा अपने साथ एक AK-47 जो है वो कैरी करता है. AK-47 जैसा खतरनाक हथियार जो है हिडमा अपने साथ कैरी करता है. बट इज़ क्लियर इज़ दैट ही इज़ लोकल ट्राइबल बॉर्न इन पुवर्टी विलेज. तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो है एक वहीं का एक लोकल ट्राइबल है, ठीक है, और वो हमेशा से जो है उन जंगलों में रहा है. बात करें तो बीजापुर और सुकमा के जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास ये जो है जो वहाँ के जंगल है वहाँ पर जो है हमेशा रहा है. इवन इज़ नेम एंड इज़ अलाइसिस आर ऑफन अंडर अ क्लाउड ऑफ डाउट. अगर हम बात करें तो उसका जो नाम है वो भी जो है हमेशा से एक डाउट का पॉइंट रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें वहाँ की पुलिस एजेंसीज़ की तो कुछ पुलिस डॉक्यूमेंट्स में जो है उसका फर्स्ट नेम लिखा जाएगा आपको मंडावी, कुछ में दिखा जाएगा मडवी, ठीक है. फॉर द पुलिस पर्सनल ऑन द ग्राउंड दो इट इज सिंपली हिडमा. तो अगर हम बात करें कि ना तो उसको मंडावी ना मडवी किसी के नाम से रेफर नहीं किया जाता, उसको जिस नाम से रेफर किया जाता है वो आपका हिडमा HIDMA, ठीक है, द मैन दे मस्ट कैच. और ये एक ऐसा आदमी है जिसको उनको पकड़ना जरूरी ही जरूरी है, बहुत ज़रूरी है.
तो वाई इज हिडमा इंपॉर्टेंट टू द माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है? तो मच ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हिडमास इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इज पीस टुगेदर बाय द जर्नलिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द फील्ड। तो जो है जर्नलिस्ट ने जो इनका रोल बताया है, और रोल क्या बताया है, रोल यही बताया है कि जो हिडमा है वो बहुत ज़रूरी है कि उसको अरेस्ट किया जाए, सरेंडर किया जाए, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना उसकी क्वालिटीज के बारे में, वो उन्हीं जो है माओइस्ट लोगों ने बताई है जो पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। उन्होंने जो है अब या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर अब जो अरेस्ट हो गए। तो उन्होंने जो इनके बारे में बताया है, वन इज़ द कमांडर एंड मास्टर एग्जीक्यूशनर। तो क्या है कि एक तो ये कमांडर है, ऊपर से जितने भी अटैक्स वगैरह होते हैं, जितने भी प्लान्स ये लोग करते हैं ना, उसका मास्टर एग्जीक्यूशनर है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता है, बहुत अच्छे तरीके से सोचता है। मल्टीपल सरेंडर्ड माओइस्ट स्टॉक ऑफ हिज एक्सपर्टीज नॉट ओनली इन द प्लानिंग ऑफ अटैक्स, ठीक है, और सिर्फ अटैक्स को प्लान करने में नहीं बल्कि उनको जो है टेक्नोलॉजी की भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उस सब के बारे में भी जो है हिडमा को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। एन एंटिसिपेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जो मूवमेंट्स होती हैं उनके बारे में भी जो है पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है। दे ऑल्सो टॉक ऑफ इज काम वेन इंड फायर, और जब भी कोई ऐसा आपका कोई ऑपरेशन की तरफ से कोई अटैक वगैरह चल रहा होता है तो कामनेस शांति जो है हमेशा अपने अंदर बना के रखता है, ठीक है, कभी भी हाथ पैर नहीं फूलते। ये जो है हमें पता लगता है जितने भी सरेंडर्ड आपके माओइस्ट या फिर जो अरेस्ट हो गए उन्होंने जो है उसके बारे में ऐसा बताया है। तो ये चीज़ें जो है अगर ये देश के इस्तेमाल में आती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन ये चीज़ें जो है गलत जगह पर इस्तेमाल की जा रही है। जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये गलत जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसे लोग जो सिर्फ देश का नुकसान ही कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी बुरी बात है। द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिडमास आइडेंटिटी इज व्हाट ही मीन्स टू द लोकल कैडर, और लोकल कैडर के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है वो। अगर हम बात करें बेसिकली, इतनी आपकी सेंट्रल कमेटी है या फिर आपके कोई और माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ में जो है टॉप कैडर के जो लोग हैं वो मोस्टली आपके तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो आपके जो इन अटैक्स में जो हिस्सा लेते हैं, मोस्टली आपके कौन होते हैं, लोकल आदिवासी होते हैं, और हिडमा जो है वो उन्हीं में से एक है। मैंने आपको बताया था ना कि एक लोकल आदिवासी है जो बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर के जंगलों पे जो है मोस्टली वहाँ पर जो है पैदा हुआ और जंगलों में ही हमेशा रहा। सो मच सो देर हैज़ बीन मच चैटर ऑफ एलिवेटिंग हिम टू सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी को जो है वहाँ से इनको एलिवेट करने की बात की गई। देन हिडमा इज़ अ फोक हीरो फॉर द माओइस्ट कैडर, ठीक है, और एक इनको इसको जो है एक हीरो की तरह कंसिडर किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, हीरो की तरह कंसिडर किया जाता है। कहानी वानी सुनाई जाती है और ऐसा कहा जाता है, एक इंसिडेंट ऐसा बताया जाता है जो सरेंडर्ड या फिर जो अरेस्टेड लोग उन्होंने बताया इसके बारे में कि एक बार क्या हुआ, अपने साथियों का मोरल हाई करने के लिए क्या किया हिडमा जो है, किस तरह लोकल बाजार में चला गया और सबको पता था कि वो मोस्ट वांटेड है, ठीक है, पुलिस की तलाश में है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल कपड़े पहनकर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी जो है वीरता दिखाने के लिए लोकल कपड़ों में, अपने नॉर्मल कपड़ों में जो है वहाँ के एक लोकल बाजार में चला गया। और हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट के बावजूद जो है पुलिस उसको ना तो पहचान पाई और ना ही जो है उसको देख पाई ना पकड़ पाई, ठीक है। और ये जो है उसने इस वजह से किया ताकि वो अपनी वीरता दिखा सके, अपनी जो है अपना करेज दिखा सके और अपने साथियों का मोरल हाई कर सके, ठीक है। एक कहानी जो है ऐसी बताई जाती है, तो देख सकते हैं आप कि किस, तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो लोग जो है इसको एक फोक हीरो की तरह कंसिडर करेंगे ही करेंगे। तो वाई इज़ इज सच एन इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज, तो हमने अभी माओइस्ट के बारे में बात कर ली कि उनके लिए क्यों जरूरी है, तो अब बात करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए क्यों जरूरी है कि इसको पकड़ना, ठीक है। तो दिस इज प्रिसाइजली हिडमा इज सो इम्पोर्टेंट, तो हिडमा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब सुनते भी हम लोग, अब इतना अच्छा मास्टर एग्जीक्यूशनर प्लान्स वगैरह बनाते हैं और सबके पीछे कमांडिंग ऑफिसर यही है, मास्टर माइंड हम कह सकते हैं, तो इसको पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि फिर ये क्या हो गया, एक प्राइमरी टैक्टिकल कमांडर है। इसको पकड़ लेंगे तो जितने भी आपके ये वहाँ पर जो अभी आपके माओइस्ट लोग हैं उनका जो मोरल है बस्तर के वाले एरिया में वो डाउन हो जाएगा अपने आप ही। वो जो अटैक्स है इसमें हमें कम से कम कुछ समय तक तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन आगे बात करेंगे तो पुलिस ऑफिशियल से वाइल द माओइस्ट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन आइडियोलॉजी एट द बल संगम लेवल, तो अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पर माओइस्ट लोगों में आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी जो है दी जाती है। उस आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग में जो है हिडमा जो है एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है, ठीक है। हिडमा को जो है वहाँ पर लोग एक प्रेरणा की तरह लेते हैं, उससे प्रेरित होते हैं कि हमको भी ऐसे करना है, हमको भी ऐसा बनना है, ठीक है। तो वो गलत लाभ पर चल रहे हैं, ठीक है, गलत जगह इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो लोग। तो ये जो है अगर हिडमा को ऐसे पकड़ लिया जाएगा तो फिर जो है कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ में भी एक वो देखने को मिलेगा रिलीफ। तो वाई इज़ इट सो डिफिकल्ट टू कैच हिम, तो पकड़ना भी मुश्किल है,
अगर इतने सालों से पता ही है हमें, तो हम पकड़ भी क्यों नहीं पा रहे? 20 लाख का, 25 लाख का इनाम रखा हुआ, तो फिर भी क्यों नहीं पकड़ पा रहे? तो क्या है, पहले तो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है अपने आसपास काफ़ी हाई लेवल के लेके चलता है, ठीक है। 3 रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके आसपास होती हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में। ही स्टेज अवे फ्रॉम द रोड्स डीप इन साइड जंगल्स, और रोड वगैरह से देखे वो है काफ़ी दूर, वो रहता है जंगल वगैरह के अंदर काफ़ी रहता है। और अपनी बैटालियन जो है उसकी, बैटालियन 1 की हमने बात की थी, उस बैटालियन 1 के साथ जो है वो हमेशा चलता है, ठीक है, एक कंसेंट्रिक सर्कल जो आपके बताया मैंने 3 रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी के साथ, और हमेशा जो उसका एक पर्पज़ रहता है। और जंगल में वो हमेशा बड़ा हुआ है, वहीं पर वो पैदा हुआ, वहीं पर वो बड़ा हुआ, तो उसको जंगल वगैरह की, ट्रेन वगैरह की, इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो चकमा वगैरह देकर निकल जाता है, कई बार कच्चा दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है होती हैं, द लैक ऑफ फोन नेटवर्क, और ये जंगल वगैरह जो यहाँ पर सुकमा बीजापुर है और डांडेवाड़ा में, जो यहाँ पे फोन नेटवर्क भी इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो इंटेलिजेंस जो भी हमें वहाँ से मिलती है, वो इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ दिन ओल्ड होती है हमेशा, वो नई नहीं होती है, लेटेस्ट नहीं होती है, वो हमेशा 3-4 दिन पीछे की जो है हमारे पास इंटेलिजेंस आती है। तो इस वजह से एक चीज़ तो ये होती है, इस वजह से हम उसकी मूवमेंट्स को जो है अच्छे तरीके से रियल टाइम बेसिस पर जो है हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बैटालियन 1 जो है जिसका वो कमांडर है, वो बैटालियन 1 हाईली वेपनाइज है, मैंने आपको बताया था ना कि हाईली वेपनाइज है, और इस वजह से आर्म फोर्सेज को उनसे लड़ने के लिए जब जाते हैं तो उनको भी जो है अपनी सुरक्षा के लिए और अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा वेपन्स लेके जाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हथियार वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि वैसे ही वो टेरेन वहाँ की जो है वो जंगल वाला एरिया है, वहाँ पे रिवर्स वगैरह, ये सब स्ट्रीम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है, तो इस वजह से जो मूवमेंट है वो और स्लो हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है, उन लोगों को तो पहले से ही पता है कि कहाँ पर क्या जंगल है, वहाँ कहाँ पर कितना घना है, कहाँ पर रिवर वगैरह, कैसे उसको क्रॉस करना है, तो वो लोग जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं वो इस चीज़ में इतनी है नहीं, उनको इतनी नॉलेज उस बारे में है नहीं कि कैसा वहाँ से कैसी टेरेन है। अगर नॉलेज लेने की कोशिश भी करें तो वो एरिया ही उन्हीं का है, ठीक है, वहाँ पर एम्बुश वगैरह के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेज जो है उस एरिया में पर्टिकुलरली जाकर ट्रेनिंग भी ले सकती हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारी आर्म फोर्सेज में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, हमारी आर्म फोर्सेज में जो है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और ये बात जो है इस बात को ग्लोबल रिकग्निशन दिया गया है कि इंडिया के जो आर्म फोर्सेज हैं, इंडिया की जो आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छी जो है उनके स्किल्स हैं, और कॉम्बैट के जो है सिचुएशन में उनसे अच्छा फाइटर कोई हो ही नहीं सकता। ये बात सबको पता है, चाइना तक को पता है, ये बात इसराइल तक को पता है, ठीक है। और यूके का तो ऐसा कहना था, एक टाइम पर ऐसा कहा जाता था यूके के द्वारा कि अगर मुझे इंडिया की मिलिट्री मिल जाए, आर्मी मिल जाए, तो मैं फिर से पूरी दुनिया पर जो है अपना कब्जा करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारी आर्म फोर्स की जो है क्वालिटीज़ है। देन देर इज़ द इशू विद द 3 लेयर सिक्योरिटी, तो उसके बाद 3 लेयर सिक्योरिटी जो हमने बताई थी अभी, 3 रिंग सिक्योरिटी, अब वो ऐसे तो है नहीं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। मोस्टली क्या होता है कि जो आउटर रिंग के जो आपके उनके रहते हैं माविस लोग, वो लोग आर्म फोर्सेस को ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वो आपका हिडमा है, वो हिडमा बेसिकली पीछे रहता है, वो आगे नहीं आता, वो पीछे ही रहता है, वहीं से सब कुछ कंट्रोल करता है, और चकमा देकर भाग जाता है, ठीक है, अनाम पकड़ा नहीं जाता वो, क्योंकि जो आर्म फोर्सेज हैं उनसे जो ये गोलीबारी करने का काम है, फायरिंग करने का काम है, वो आउटर रिंग के लोग जो है वो करने लग जाते हैं, और इसने टाइम में जो है मेन टाइम में जो हिडमा जो है भाग जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा था, तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है इसको पकड़ा जाए, ठीक है, पकड़ा जाएगा, तो डेफिनेटली जो ये चीज़ें, जो ये कावर्डली अटैक्स हमारी आर्म फोर्सेस पे किए जा रहे हैं ना, ये ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव आई एस एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।